चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रांत ऑफिस में। बताना आपको ये चाहते हैं कि पिछले दिनों जो गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक साहब की, उस गिरफ्तारी को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार ने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जो कि शुरू हुआ आनंद दिघे चौक से लेकर ख़त्म हुआ है प्रांत ऑफिस में। प्रांत ऑफिस में आज वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया गया महाविकास अघाड़ी सरकार के जरिए। आइए देखते हैं कि शोएब गुड्डू खान साहब ने, रशीद ताहिर साहब ने, माने साहब ने इस पर क्या कहा। जो हमारे मंत्री हैं अल्पसंख्यक के नवाब मलिक साहब, जिनको दो दिन पहले ईडी के केस में उनको झूठा केस लगाकर उनको फंसाया गया, उसके लिए आज भिवंडी महाविकास अघाड़ी भाजपा सरकार का निषेध करती है। आज महाविकास अघाड़ी की तरफ से भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। जिस तरीके से आज भाजपा सरकार देश के अंदर मनमानी दादागिरी और तानाशाही कर रही है, आज पूरे देश को पता चल गया है। आप देख रहे हैं पूरे देश में आज जनता उनके विरोध में उतर गई है। जो तरीके से आज जो हम संविधान दिया गया है, जो हम अपनी दिल की बात और सच्चाई बोल सकते हैं, वो हमसे छीनी जा रही है। और संविधान के खिलाफ आज जो भाजपा सरकार काम कर रही है, उसकी सजा आने वाले वक्त में 2024 में जनता उनको अच्छा सबक सिखाएगी। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी उनके खिलाफ बोलता है, वो कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, ऐसी एजेंसियों को ला के वो डराने का काम जो करते हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी किसी से डरने वाली नहीं है, वो लड़ने वाली है और जीतने वाली है। तो ऐसे वो कितना भी झूठा केस करे, हमारी जो सरकार है महाविकास अघाड़ी की, हम सब एक रहेंगे और सरकार पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको मैं बताता चलूँ, वो उनको शर्म आना चाहिए, वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी आप उठा के देख लीजिए, साध्वी अपना प्रज्ञा ठाकुर जो बम ब्लास्ट की आरोपी है, जिनको एमपी का टिकट दिया गया और चुन के भी आई, शर्म आना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट देते क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से पुलवामा में 40 जवान हमारे भाई शहीद हो गए, और आरडीएक्स कहां से इतना आ गया, इसका जवाब आज तक उसकी इंक्वायरी डबल से नहीं हुई, उसकी मालूम नहीं ली गई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। भाजपा सरकार अपनी मनमानी और दादागिरी जो कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। जब देखो कोई भी मुसलमान का नाम आता है, वो दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है। आप देखिए हमारे यही मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं और बिरयानी खा के आते हैं, हो सकता है वहाँ पे वो भी दाऊद इब्राहिम से मिल के आए हो, तो उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती। ये जो सब चल रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये आगे आने वाले वक्त में ये देश को जो बांटने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इसका सबक सिखाना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले का बयान है कि नवाब मलिक आतंकवादियों को फंडिंग करते, इस पे क्या कहना? देखिए महेश चौगले जी होश में नहीं है, उनके जो मुंह में आता है वो बकते हैं। पहले उनको मालूमात लेके कुछ भी चीज़ बयान देना चाहिए। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो अपने आप को, उनका बयान आता है कि राजनीति नहीं करना चाहिए, जो उनका बहुत काफ़ी जगह मैंने ये स्टेटमेंट सुना है। लेकिन जब CAA का, NRC का और 3 तलाक का, ऐसे कोई भी मुसलमानों का मुद्दा आता है, सबसे आगे चढ़ बढ़ के राजनीति महेश चौगले जी करते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं, अपने आप को माइनॉरिटी का दिखाने लगते हैं, तब उनको शर्म नहीं आती, माइनॉरिटी में जाके वोट मांगते हैं। तो ये जो बांटने का काम और ये भड़काऊ भाषण दे के लोगों में जो भड़काने का काम जो कर रहे हैं महेश चौगले जी, बहुत गलत बात है। वो पहले वो जवाब देवें कि उनके प्रधानमंत्री मोदी जी वो पाकिस्तान जाकर जो बिरयानी खाए थे, हो सकता है वो भी दाऊद इब्राहिम से मिले हो, तो उनकी इंक्वायरी करावे, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते। तो महेश चौगले की बात की हम लोग को ध्यान नहीं देते, उनको हम गिनती में नहीं लेते। रशीद भाई बोले, रशीद भाई मराठीला मराठी बोलो बोला विचार विचार मोर्चा आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल, आज काल महाराष्ट्रामध्ये मंत्रालयामध्ये महाविकास आघाडीचे सगळे मान्यवर नेते मंत्री त्या ठिकाणी आंदोलन त्या ठिकाणी काल सुरुवात केली होती,
आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज हे आंदोलन होत आहे. आंदोलन का होते पत्रकारांना माहीत आहे, तरी पण आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेली 2.5 वर्ष झाली या महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर, काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं सरकार आल्यानंतर आणि आदरणीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून एक पोटसूड या भारतीय जनता पार्टीच्या पोटामध्ये उठलेला आहे. तर त्यांच्या कधी मनी ध्यानी नव्हतं की काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना कधी एकत्र येईल. त्यांनी आयुष्यभर या ठिकाणी फसवण्याचं काम केलं आणि शिवसेनेला अनेक वेळा फसवलं. शिवसेनेने आज त्याला धडा शिकवला. परंतु हे सरकार आल्यानंतर आज 2.5 वर्ष झाली, फक्त एवढंच कारण आहे की त्यांचं सरकार आलं नाही, त्यांच्याबरोबर आम्ही गेलो नाही. म्हणून महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक मंत्र्याला, प्रत्येक कार्यकर्त्याला जो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात बोलेल त्याला टार्गेट करण्याचं काम केंद्र सरकार ईडी, इन्कम टॅक्स आणि CBIच्या माध्यमातून करत आहे, त्याचा या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही निषेध करतो. खरं जर तुम्हाला लढायचं असेल तर जनतेमध्ये या निवडणुका येतील, जनतेमध्ये तुम्ही या आणि 2024 तुम्हाला या भारताची जनता सांगेल का तुमची लायकी काय. तर या ठिकाणी सातत्याने तुम्ही ईडी आणि मला एक सांगायचं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये जेवढे काही ईडी आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये आरोपी लोक टार्गेट केलेले आहेत हे फक्त काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचेच लोक आहे. याचा अर्थ भाजपचे लोक काय आंघोळ केली काय, पुण्यवान झाले काय? तर हम आम्ही सब नंगे आहे मला एवढंच सांगायचं आहे. आणि कारण एवढं आहे की आपण हे सगळं करत असताना काय चाललं आहे तुमचं, फक्त सरकार पाडण्याची ही त्यांची भूमिका आहे आणि त्यांच्या बापालाही सरकार पाडणार नाही हे त्यांना माहीत आहे की हे ठाकरेंचं सरकार आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. हे तुम्ही जेवढी नाटकं कराल तेवढं हे सरकार मजबूत होत जाईल आणि येणारी 25 वर्ष हे सरकार महाराष्ट्रात तुम्हाला दिसेल. नाहीतर याच्यापुढे महाराष्ट्राच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला संदेश जाईल की भारतीय जनता पार्टी किती नालायकपणाने या ठिकाणी या देशामध्ये काम करते आणि याचे पडसाद 2024 निवडणुकीमध्ये संपूर्ण देशाच्या महाराष्ट्रातून संदेश जाईल. आणि कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही तसं माननीय मोदीजींनी मला असं समजायला हरकत नाही की आपण पण अमरपट्टा घेऊन आला नाही, उद्या आमचं सरकार येईल, मग आमच्याकडे ईडी असेल, आमच्याकडे CBI असेल किंवा तुमची बारी असेल, मग आपण बघूया. देखिए महाविकास आघाड़ी जो है हमेशा एक रही है, राज्य में एक रही है और जो है आज के मोर्चे का जो मेन मुख्य का वो है वजह है कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी और NDA सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है और किसी भी सूरत में जो है महाराष्ट्र की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी. इससे पहले मोदी जी ने ये महाराष्ट्र का अपमान किया था, महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाई थी और कोरोना फैलाने का जो नारा दिया था उन्होंने, महाराष्ट्र के ऊपर जो इल्जाम लगाया था महाराष्ट्र की जनता उसको कभी भूलेगी नहीं. और आप देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई है और इंशाअल्लाह ताला पूरा देश बदलाव में आ गया है. 5 स्टेट का जो इलेक्शन चल रहा है ये पांचों स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है. महाविकास आघाड़ी की सरकार के आदेश के ऊपर जो है परसों मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि सब मिलकर ये आंदोलन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ये आंदोलन आज जो है कामयाब आंदोलन कर रहे हैं. और किसी भी सूरत में ये जो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है जो संविधान की रक्षा के लिए होता है, संविधान में कुछ गलत होता है उसकी हिफाजत के लिए होता है, उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉलिटिकल लोगों को दबाने के लिए जो काम कर रहा है इसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ सब जमा हैं. हम आंदोलन कर रहे हैं, आप रोज़ मीडिया में देख रहे हो, बहुत से BJP के लीडर जो हैं उनके भी दाऊद से भी कॉन्टेक्ट है और उनके फैमिली के लोगों से कॉन्टेक्ट, आप सब फोटो आ रहे हैं. लेकिन सिर्फ जो है कांग्रेस के लोगों को, NCP के लोगों को, शिवसेना के लोगों जो टारगेट करके और इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं. रशीद भाई, 5 स्टेट में अभी देखा जाए तो इलेक्शन है, तो उससे आप इस मामले को उसमें जोड़ के देखते हैं क्या? तो 5 स्टेट में जो इलेक्शन है इस मामले को आप नवाब मलिक, 5 स्टेट का इलेक्शन का फैसला हो चुका है. अब महाराष्ट्र के ऊपर जो ये लोग अटैक करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र स्टेट में जो है अगला जो भी इलेक्शन आएगा चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का हो
उसमें महाविकास आघाड़ी इनको अपने इनकी जगह दिखा दे। अगर रिहाई जल्द ना हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए वो स्टेट की लीडरशिप तय करेगी। राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नगर सेवक पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज हमारे माननीय श्री नवाब मलिक के साथ जो धोखे से उनको ले गए ईडी ऑफिस पे और उनपे झूठा इल्जाम लगाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जो बीजेपी सरकार की तानाशाही और मनमानी जो चल रही है उसके खिलाफ जो आज आंदोलन हुआ महाविकास आघाड़ी की तरफ से, मैं खासकर राष्ट्रवादी पार्टी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग का जोश देख के इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर इसी तरीके से राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पदाधिकारी और नगर सेवक जोश में रहेंगे ऐसे भाजपा सरकार को हिलाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और आने वाले वक्त में उखाड़ के फेंकने का काम राष्ट्रवादी पार्टी करेगी। दोस्तों साथियों, आज भले से महाविकास आघाड़ी है लेकिन भाजपा को लड़ने वाली एक ही पार्टी है, वो है राष्ट्रवादी पार्टी। जो उनका राष्ट्रवादी पार्टी आज भाजपा का जो सामना कर रही है, जो मुकाबला कर रही है, उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो वो भौखला गए तो वो अपनी गलत नाजायज ताकत का फायदा उठा के ये एजेंसियों को कभी ईडी को लेके कभी सीबीआई को लेके इसको आगे किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा भाजपा सरकार को, राष्ट्रवादी पार्टी के चाहे नवाब मलिक साहब हो, एक एक कार्यकर्ता भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत ही इनके केस होंगे, कोई डरने वाला नहीं है। लड़ने की ताकत रखता है राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों बहुत फख्र होता है नवाब मलिक जैसे आज मर्द लोग हैं जिसको लेके गए और उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनके चेहरे पे थोड़ा भी डर का सिकंजा नहीं था, वो मुस्कुराते हुए निकले और हाथ हिला के बोले मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा। तो ऐसे मर्द लोग राष्ट्रवादी पार्टी में दोस्तों साथियों, और उसी के कार्यकर्ता हम लोग हैं। ये अपने आप को नहीं देखते भाजपा सरकार, शर्माना चाहिए भाजपा सरकार को। जो बलात्कार करता है उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है, जो मंत्री भ्रष्टाचार करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मुसलमान का नाम आता है दाऊद इब्राहिम को छोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, वो पाकिस्तान क्या करने गए थे? वहाँ की बिरयानी क्यों खा रहे थे? वहाँ पे हो सकता है वो भी दाऊद इब्राहिम से मिले हो, तो उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? इसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो बम ब्लास्ट की आरोपी है उसको एमपी का टिकट दिया जाता है और जीत के आती है, कितने शर्म की बात है। हमारे नौजवान भाई 40 नौजवान भाई हमारे शहीद हो गए पुलवामा में, इतने आरडीएक्स ताजे है उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी गई? ऐसे बहुत सी चीजें हैं दोस्तों साथियों, मैं जितना बताऊंगा उतना कम है। बरहाल हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आने वाले वक्त में जनता को समझ में आ गया है कि भाजपा सरकार जिस तरीके से दानाशाही मनमानी करके जो उनके खिलाफ बोलता है, जो सच्चाई बोलता है, तो उनके ऊपर जो ईडी का ठोपा जाता है या सीबीआई की इंक्वायरी की जाती है, वो सब होशियार हो चुके हैं और आने वाले 2024 में उनको कड़ा जवाब मिलेगा और जनता इनको हराने का काम करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों साथियों, ये भौंकना गया है यूपी के अंदर तो भाजपा हार रही है, सब पार्टी मिलकर भाजपा को हराने का काम कर रही है, तो जनता वहां की होशियार हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में कोविड हो रहा था, मोदी जी बोलते रहे महाराष्ट्र की वजह से कोविड बढ़ा है, तो ऐसे महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बस आप लोगों की ताकत, नौजवान बच्चों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग की ताकत हमारे साथ रहेगी, ऐसे मोदी को कब उखाड़ कर फेंकेंगे मालूम नहीं पड़ेगा दोस्तों साथियों। बस आप लोग सब लोग आए,
के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर मैं अपने मीडिया भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे मीडिया भाई लोग आए और अच्छा कवरेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया महाविकास आघाड़ी के सभी लोगों का तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे चलना पड़ेगा, Come on!